आधा किलो बासमती चावल ली हूँ। आप चाहे तो घर का चावल भी ले सकते हैं या बारीक चावल भी ले सकते हैं तायरी बनाने के लिए। बासमती चावल हो तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये मैंने 3 आलू ली हूँ, उसके लंबे लंबे स्लाइस कर दी हूँ। ये मैंने कांदा ली, उसके 2 कांदा ली, उसके स्लाइस कर दी हूँ। 3 हरी मिर्ची ली, 1 मिर्ची के 3 टुकड़े की हूँ। 2 टमाटर ली, उसको स्लाइस कर दी। 2 तेज पत्ते ली हूँ। ये मटर मैंने स्टोर करके रखी थी फ्रीजर में, अब इसको मैंने बाउल में निकाल दी हूँ। सजाने के लिए मैंने ब्रिस्ता ली हूँ, आधी वाटी मैंने तेल ली हूँ। ये होममेड मसाला मैंने घर में बनाई हूँ, गरम मसाला। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। 1/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, नमक अपने हिसाब से लेंगे। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ली हूँ, जीरा 1/4 चम्मच, बड़ी इलायची 1 ली हूँ, 2 लौंग ली हूँ, 2 काली मिर्च और दालचीनी का छोटा टुकड़ा। हम सबसे पहले 2 पानी से चावल को वॉश करके साफ पानी भरकर इसमें रख देंगे। देखिए गैस पे मैंने कुकर रख दी हूँ, आप चाहे तो किसी टोप में भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर तायरी टोप में नहीं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में तायरी अच्छी खिली खिली बनती है। ये मैं इसमें तेल डालूंगी और प्याज डालेंगे हम इसमें, और तेज पत्ता भी इसी में डाल देंगे, जीरा भी हम इसी में ऐड कर देंगे, और जो हमारे साबुत गर्म मसाले थे गरम मसाले उसमें ऐड कर देंगे। अंडा हम अच्छा ब्राउन होने देंगे, ब्राउन होने के बाद हम अपने इसमें टमाटर और मसाले जो है वो ऐड करेंगे। कांदा हमारा अच्छी तरह लाल हो चुका है, अब हम इसमें अपने टमाटर और जो हरी मिर्ची थी वो काट कर रखे वो डालेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो पूरे सूखे मसाले वो हम सारे ऐड कर देंगे। देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरह भून चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें ये मैंने आलू धोकर इसमें डाल दिए। अब ये जो मटर थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मटर नहीं अवेलेबल है तो आप सोयाबीन को भिगा कर वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा तक मेरा मसाला अच्छी तरह भून ली हूँ, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 2 गिलास ली थी, तो पानी हम 4 गिलास लेंगे, लेकिन चावल मैंने भिगाई थी तो हम पानी 3 गिलास लेंगे। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दी हूँ, अब इसमें मैंने चॉप की हुई कोथमीर डाल दी। अब मैं कुकर की सीटी लगा दूंगी और 2 सीटी हुए, 2 सीटी होने के बाद मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी। हमारी 2 सीटी हो चुकी है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। मटर की तरी हमारी तैयार है, अभी हम इसे गार्निशिंग करेंगे।